नालंदा में भी अग्निपथ का विरोध शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों ने राजगीर बख्तियारपुर रेलखंड के पावापुरी फाटक के समीप आगजनी कर सड़क और रेल मार्ग दोनों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण NH-20 के दोनों छोर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। वहीं इसका असर ट्रेनों पर भी देखा गया। केंद्र और मोदी सरकार के विरुद्ध अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की एवं TOD वापस लो की मांग पर अड़े रहे। अभ्यर्थियों की जाम की वजह से बख्तियारपुर की तरफ से आ रही मालगाड़ी आउटर पर खड़ी रही, तो वहीं इसका असर दिल्ली जाने वाली संजीवी एक्सप्रेस पर भी पड़ा है। निर्धारित समय से जाने वाली संजीवी एक्सप्रेस ट्रेन भी लेट हो गई। रेगुलर नौकरी और TOD वापस लेने की मांग अभ्यर्थी करते रहे। अभ्यर्थियों के जाम की सूचना मिलने के बाद बिहार शरीफ प्रखंड पदाधिकारी अंजन दत्ता, CEO धर्मेंद्र पंडित और दीप नगर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंच अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने में जुट गए। बावजूद अभ्यर्थी करीब एक घंटे से रेलवे ट्रैक पर जाम में जमे रहे। हाथों में तिरंगा, रेलवे ट्रैक पर आगजनी कर अभ्यर्थियों ने TOD वापस लो के नारे लगाते रहे। हो गया वापस लेना, ठीक है। अभी तक एग्जाम रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है और हम सब 5 साल NCC किए हैं, 5-6 साल देके NCC कर किए हैं, सर्टिफिकेट हासिल करने में 5 साल लगा है। लेकिन मोदी सरकार क्या किए हैं, 4 साल के जॉब दिए हैं। 4 साल में क्या हम सबको बनेगा, कुछ बनेगा? 4 साल के बाद बेरोजगार रहेंगे, हम सबके बाल बच्चा भूख मरेगा, हमको माता पिता मरेंगे। और मतलब ट्रेन तो बेच किए, अब फौज के भी बेच रहे हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, तीनों के प्राइवेट मतलब कर दिया। 3-4 महीने में जिसका अथी होता था 1.5 साल तक एग्जाम में लिया। अभी तक सर अभी कहाँ जाम किया? अभी यहाँ बीजवन पर, पावापुरी फाटक। एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। नालंदा विद्या मंदिर, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। दिस स्कूल इज एफिलिएटेड फ्रॉम CBSE।